काले चने का पराठा जो खाने में हेल्दी तो है ही और साथ में टेस्टी भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैंने 2 कप काला चने को भिगो करके रख लिया है। अब इसको हम बॉईल करेंगे। तो कुकर में इसको हम ऐड करेंगे। इसके बाद स्वाद अनुसार नमक इसमें ऐड करेंगे और इसके बाद इसमें 1 गिलास पानी। तो आप 2 गिलास लीजिए अगर 2 कप चने हैं तो, और इसे कम से कम 4 सीटी में आप इसको बॉईल करेंगे। और 4 सीटी के बाद अब ये ऐसा दिखेगा बिल्कुल। अब ये हाथ से आप दबा के देख लीजिए ये मैश हो रहा है कि नहीं। अब इसको हम मिक्सी में ट्रांसफ़र करेंगे। इसको हम बिल्कुल दरदरा टाइप का इसको पीसेंगे। ज़्यादा हमें बिल्कुल महीन पेस्ट नहीं बनाना, दरदरा ही बनाना है। अब इसको हम मिक्सी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सारे चने को हम मिक्सी में ट्रांसफ़र करके इसका हम अच्छा सा एक दरदरा पेस्ट बना लेंगे। तो ये हमारा जो है पेस्ट बन के तैयार है। अब इसको हम एक बॉल में ट्रांसफ़र करेंगे। बहुत ही हेल्दी बनता है ये चने दाल का पराठा और ये काले चने का पराठा। तो ये हम ये काले चने का पराठा बना रहे हैं और ये हमने स्वाद अनुसार नमक ऐड किया। और ध्यान रहे पहले भी हमने नमक ऐड किया है तो आप अपने अकॉर्डिंग नमक ऐड करें। और ये आधा चम्मच मिर्च पाउडर। तो और ये लिया मैंने 1 मीडियम साइज़ का प्याज, इसको चॉप कर लिया है, वो इसमें ऐड करेंगे हम। उसके बाद ये लिया मैंने 6 हरी मिर्चें और 1 इंच अदरक को घिस लिया है, अदरक को, और ये हरी मिर्चें बारीक कटा हुआ। उसके बाद इसमें जाएगा हरा धनिया। तो ये बहुत ज़्यादा ही कंपलसरी हरा धनिया, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें काले चने के पराठे में। और ये हेल्दी भी होती है खाने में, तो आप बिल्कुल बनाएं इसको। और इसमें कोई ज़्यादा मसाला यूज़ नहीं किया है, बस मिर्ची पाउडर और नमक। अब इसे हम अच्छे से मैश करेंगे, बिल्कुल मिक्स करना है बिल्कुल। आप चाहे तो हाथ का भी यूज़ कर सकते हैं इसको मैश करने में, तो मैंने स्पून का यूज़ किया है। बिल्कुल अच्छे से इसको मिला देंगे और इसको जो डो बनेगा नॉर्मल आटे का ही बनेगा। सिंपल सा आटा आपको गूनना है जैसे आप रेगुलर रोटी के लिए गूनते हैं, इसमें कोई नमक वमक देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये इसे हम बेल करके इसमें घी लगाएंगे। घी लगाने के बाद इसमें हम जैसे आलू पराठा आप फील करते हैं बिल्कुल फीलिंग, इसकी स्टफिंग ऐसे ही बनती है। तो ऐसे करके बिल्कुल आपको आलू पराठा, जस्ट लाइक आलू पराठा, ऐसे ही आपको भर लेना है आटे के दो में। और इसको हल्के हाथों से दबा दबा करके अब इसका हम बेलेंगे। बहुत ईजी है, हेल्दी है और जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तो नॉर्मली आप जैसे रोटी बनाते हैं डेली बेसिस पे, तो आप ये पराठा अपने घर पे बना के ट्राई कर सकते हैं। तो बिल्कुल अच्छे से हम इसको बेल लेंगे जैसे आप आलू पराठे को बेलते हैं। और पहले तवे को हम तेज़ आंच पे रखेंगे, उसके बाद हम इसे लो फ्लेम पे करेंगे। तो ये अच्छे से बन चुका है हमारा पराठा। अब इसे हम तवे को सिक करके थोड़ा सा घी इसमें ऐड करेंगे। तो घी लगने के बाद इसको आराम से हम इसमें रखेंगे पराठे को, और बिल्कुल लो फ्लेम पे ही हमें इसे पकाना है, बिल्कुल मीडियम, एक पहले मीडियम फिर लो करना है हमें। और ये जो है बिल्कुल हमारा सिक रहा है जो पराठा है, अब इसे हम पलटेंगे। ये देखिए बिल्कुल रेड हो चुका है, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और इसीलिए अब बिल्कुल इसी प्रकार से हमें दूसरा भी बेल लेना है। तो ये पलटते रहना है हमें इस पराठे को, फिर हल्का सा घी इसमें ऐड करेंगे। ज़्यादा घी देने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही बिल्कुल ऑब्ज़र्व हो जाता है सब चीज़ों में, ये तवे में। तो बिल्कुल पलटना है आपको और हल्की हल्की घी लगाते रहना है। आप चाहे तो कुकिंग ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप घी यूज़ करें। इवन मस्टर्ड ऑयल में भी ये बहुत अच्छा बनता है। सरसों का तेल भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, वो काफ़ी हेल्दी भी रहता है। एक तो काले चने, ऊपर से आटा, ऊपर से सरसों का तेल में बना पराठा, तो तीनों ही चीज़ें बहुत हेल्दी है खाने को लेके। और ये सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो झटपट बनने वाला ये काले चने वाला पराठा है, इसमें कोई मसाला यूज़ नहीं किया है, तो आप भी बना सकते हैं। अब इसका देख सकते हैं आप गोल्डन कलर बिल्कुल, और ये हो चुका है। तेज़ बिल्कुल नहीं करना है आपको इस मोमेंट पे भी, अच्छे से सेकना है इसको। आप देखिए बिल्कुल, अब इसको सर्व करने का टाइम हो गया, हो चुका है। अब इसको जाएगा प्लेट में और इसको हम हरी चटनी और लाल चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो कैसी लगी रेसिपी, लाइक शेयर सब्सक्राइब।